Hello friends, we are back with a discussion for economics. Children, today it's going to be our first chapter. The name of the topic is Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. Now before we start, students, we have already studied about the basic meaning of economics in 11th standard. We have seen what's the exact definition of economics. Among all the definition, children, economics ka प्रॉब्लम ये चलो कि जितने इकोनॉमिस्ट होते हैं उतने ही इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस होते हैं. तो हर एक इकोनॉमिस्ट आएगा बचलो आपको एक नया डेफिनेशन देके जाएगा. अभी सवाल आता है कि सर हम लोग क्या याद रखें. तो चिल्ड्रन, फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू वन प्रिसाइज एंड शॉर्ट मीनिंग और अ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. सो लेट्स बिगिन विद दैट. सपोज इफ आई टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल, चिल्ड्रन, द बेसिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमन वॉन्ट्स. चलो हमारे वॉन्ट्स होते हैं, हमारे डिजायर्स होते हैं. तो डिजायर, इसमें से एक वर्ड आता है चलो जिसको हम लोग बोलते हैं वॉन्ट. अभी ह्यूमन वॉन्ट्स यानी हमारी जरूरतें. तो चलो हमारी जरूरतों के बारे में क्या बोले हम लोग. अपने बचपन से देखा है कि हमारी जरूरतें अनलिमिटेड होती है. तो चलो ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. इट्स लाइक चिल्ड्रन, यू जस्ट इमेजिन, आई ऑलवेज टेल यू, इट्स लाइक इफ इट्स योर बर्थडे, आपके डैडी ने आपके हाथ पे मतलब बर्थडे विश किया, आपके हाथ पे कुछ 100 रुपीज़ रख के फिर बोला कि बेटा ऐश कर लेना, 100 रुपीज़ और फिर ऐश करना. नाउ दैट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, एक पैराडॉक्स होता है बच्चों लोग. आप बोलना चाहते हो कि डैडी मजाक करे, लेकिन ये 100 रुपीज़ कम क्यों लगते हैं आपको. 100 रुपीज़ कम नहीं होते बच्चों लोग, एक्चुअली वो 100 रुपीज़ के कंपेरिजन में हमारे ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होगी. तो बच्चों लोग, व्हाई डू वी फील दैट 100 रुपीज़ इज शॉर्ट, क्योंकि आपका ज़रूरतों का लिस्ट रेडी है. आपका बर्थडे है, आपको एक नया ड्रेस खरीदना है, बाकी लोगों को भी तो पता चले कि आपका बर्थडे है. दूसरा, आपको एक नया ड्रेस परचेस करने के साथ साथ हो सकता है कि लाइक यू वांट टू थ्रो अ पार्टी. अपने आजू बाजू में कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग इज्जत से दोस्त बुलाते हैं, एक्चुअली लोग पनौती होते हैं. ये लोग सिर्फ चाहते हैं आपको लूटना, तो आप इनको पार्टी देना चाहते हो, नहीं तो आपको लगता है कि ये लोग अपनी पार्टी में आपको नहीं बुलाएंगे. तीसरा, आपको मूवी के लिए जाने का है किसी खास व्यक्ति के साथ में, फिलहाल तो थिएटर्स बंद है. और लास्टली चिल्ड्रन, आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाय अ बुक. अभी सवाल आता है बच्चों कि विद दैट 100 रुपीज़ द लिमिटेड मनी, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द वॉन्ट्स दैट यू हैव. तो यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम क्या देखा हमने. द प्रॉब्लम इज क्वाइट सिंपल कि हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है बच्चों, यहाँ पे रिसोर्स यानी क्या होता है, पैसा. एनीथिंग चिल्ड्रन विथ विच यू कैन सेटिस्फाई अ ह्यूमन वॉन्ट, क्या बोलने का उसको, रिसोर्सेस. सो रिसोर्सेस कैसे बच्चों लोग, लिमिटेड है. जब हम लोग छोटे थे तो हमारे वॉन्ट्स भी कम थे बच्चों लोग, तो वहाँ पे तो हमने कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं किया था. स्कूल जाते वक्त कभी अगर मम्मी ने आपको 10 रुपये भी दिए रहेंगे तो भी हम लोग को काफ़ी लगता था. कभी गलती से 50 रुपये मिल जाए तो ऐसे लगेगा कि पूरे स्कूल में आप अकेले अमीर होकर. लेकिन अभी वही बच्चों लोग 100 रुपीज़ आपको कम लग रहा है बिकॉज योर वॉन्ट्स हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स. जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों लोग, ह्यूमन वॉन्ट्स के कुछ फीचर्स हमने लास्ट डे भी स्टडी किए थे कि ह्यूमन वॉन्ट्स एक तो अनलिमिटेड होते हैं. अच्छा, एक बार आपने एक ज़रूरत पूरी कर ली वो हमेशा के लिए पूरी हो गई, ऐसे तो होगा नहीं बच्चों लोग. जैसे कि खाना खाने का रहता है, अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे आपको पता चलता है कि आपको खाना खाना है, आप ब्रेकफास्ट करते हो, 11-12 बजे आपको लगता है कि हाँ रिचार्ज खत्म हो गया, वापस एक टॉपअप मारना पड़ता है. शाम को 4-5 बजे वापस एक छोटा सा मतलब रिचार्ज मारते हैं हम लोग, और रात को एक बड़ा सा वाउचर मार के सो जाता है. नेक्स्ट डे चिल्ड्रन यू आर अगेन गोइंग टू सेटिस्फाई योर हंगर. इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग, मतलब वॉन्ट्स आर रिपीटेटिव इन नेचर. तो बच्चों लोग, एवरी ह्यूमन वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड, सेशबल. फिर ह्यूमन वॉन्ट्स ग्रो विथ नंबर, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वराइटी में बढ़ते रहते हैं सब वॉन्ट्स. एंड ह्यूमन वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है चलो, कि अगर आप एक जरूरत को पूरा करने के लिए गए तो आपका दूसरा वॉन्ट है ना अनसेटिस्फाइड रह जाएगा. तो चलो सपोज इफ आई जस्ट सम अप टू थिंग्स हियर, चलो बेसिक प्रीमाइज जो होता है ना इकोनॉमिक्स का, बेसिक प्रीमाइज वो क्या बोलता है पता है, दैट ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दिस वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. बच्चे लोग इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं. किसी जाहिर सी बात है बच्चों लोग की, लाइक वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग एट वंस. हम लोग को जो चाहिए वो सब कुछ नहीं मिल सकता हम लोग को. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी आर फोर्स टू मेक अ चॉइस.
चिल्ड्रन व्हाई वी हैव टू मेक अ चॉइस, इट्स क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन, बिकॉज हमारे पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, इसीलिए आपको चॉइस कर। मतलब आप कॉलेज जाते हो, आपको 50 रुपीज दिया उन्होंने घर से, अभी कॉलेज से जब आप निकल रहे थे तो आपके दो ऑप्शन है, आपको बहुत भूख लगी है, आपको कुछ स्नैक्स खाना है, और एट द सेम टाइम चिल्ड्रन आपको ऑटो से घर पर रिटर्न आने का है। अभी आपको पता है 50 रुपीज में सब कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आप में से कोई बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, अपना BS3 बस किस दिन काम आएगा, 5 रुपये में मस्त एकदम 50 लाख की गाड़ी में आने का। हाँ, लेकिन अगर आप ऑटो को स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रिफर कर रहे हो बच्चों, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि इधर आई कैन हैव सम ब्रेकफास्ट और आई कैन ट्रेवल बाय ऑटो रिक्शा। नाउ यू कैन नॉट हैव बोथ, दोनों भी नहीं कर पाओ। हाँ, तो वहाँ पे आप जो चॉइस करते हैं ना बच्चे लोग कि हाँ चलो आज मैं नाश्ता करता हूँ, आराम से गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए निकल जाऊँगा घर पे घर, या फिर अपने नहीं रहे तो दूसरे वालों के जो है उनको देखते हुए जाऊँगा रोड पे से करके। तो बच्चे लोग यहाँ पे अगर आपको लगता है नहीं मुझे घर पे कुछ अर्जेंट काम है, तो आप क्या करोगे, आप अपने ब्रेकफास्ट को सेक्रीफाइस करके, हो सकता है कि लाइक यू माइट टेक अ रिक टू योर हाउस। तो बच्चों ये जो हम लोग चॉइस करें, क्या बोला मैंने, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर, आपको जो चाहिए वो सब नहीं मिलेगा आपको, तो आपको जबरदस्ती बच्चों चॉइस करना पड़ता है। सो यू आर फोर्स टू मेक अ चॉइस। अच्छा, सो वी सैटिस्फाई सर्टन वॉन्ट्स, हम लोग कुछ जरूरतों को पूरा करेंगे, एंड वी लीव अदर वॉन्ट्स टू बी सैटिस्फाइड लेटर। अभी सवाल आता है बच्चों लोग कि लाइक कौन से वॉन्ट्स को पहले सेटिस्फाई करने का, एंड लॉजिक सेज दैट चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग वॉन्ट्स फर्स्ट, एंड दोज वॉन्ट्स जो लेस अर्जेंट है बच्चों, हम लोग को पता है कि लाइक हाँ अभी का अभी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं टू बी सेटिस्फाइड लेटर। सो वॉट डू वी डू विद दिस चिल्ड्रन, फिर हमारे पास जो रिसोर्सेस है उनको हम लोग यूज करेंगे के लिए बच्चे लोग, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस रिसोर्सेस टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। चलो अपने इकोनॉमी में जनरली आप ये दो वर्ड्स की तरफ आओगे बार बार, कौन से वर्ड्स है बच्चे लोग, गुड्स एंड सर्विसेज। सो हमारे पास रिसोर्सेस है, हम लोग उनको ट्रांसफॉर्म करने वाले किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करने का, उनको हम लोग यूज करेंगे बच्चे लोग टू सेटिस्फाई अवर वॉन्ट्स, एंड नॉट ओनली प्रोडक्शन चिल्ड्रन, इकोनॉमिक्स ऑल्सो इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गुड्स अमॉन्ग ऑल द पीपल सो दैट दे टू विल बी एबल टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स। इन फैक्ट बच्चे लोग इकोनॉमिक्स होता क्या, इट डील्स विद द अर्निंग ऑफ मनी एंड द स्पेंडिंग ऑफ मनी। टू बी स्पेसिफिक, रिसोर्सेज के जगह पर अगर मैं मनी वर्ड यूज करता हूँ, तो पैसा कमाना और उस पैसे को खर्च करना, इसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है बच्चों। And in fact, I would say basic jo hai na heart of the study of economics, it says that every person just strives throughout his life to gain what other people have got. Dusre ke paas jo hai usko main hasil karna chahta hu. But chalo mere paas kuch knowledge hai, main aapko de raha hu. Aapke paas kuch paisa hai, usko classes wale log kamana chahte hain, main nahi hai classes wale. To suppose ye jo we just trying to get a part of what other people have produced. मैं एक होटल में जाता हूँ, उन्होंने कुछ फूड कुक करके रखा है, मेरे पास पैसा है, उनके पास जो खाना है वो मुझे चाहिए, मेरे पास जो पैसा है वो उनको चाहिए, बस बच्चों एक ट्रांजैक्शन होता है, एंड दैट्स इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड ऑल्सो इट सजेस्ट सॉल्यूशन टू दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। चिल्ड्रन दैट इज द बेसिक इकोनॉमिक्स। सो अगेन जस्ट टू सम अप चिल्ड्रन, एज आई सेड इकोनॉमिक स्टडीज दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अभी प्रॉब्लम क्या होता है बच्चे लोग कि वी कैन नॉट सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, सो वी आर फोर्स टू मेक अ चॉइस, एंड दैट चॉइस चिल्ड्रन कि हाउ डू वी सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वॉन्ट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो फर्दर वी यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज, we transform them into goods and services, and ultimately children we are going to make those goods and services or distribute those goods and services so that they are able to satisfy the wants of the people. You can see here children mostly we come through the basic study of economics. So students let's move ahead. aaj agar hum log ne baat ki hai
इकोनॉमिक्स वर्ड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करने चाहें तो इकोनॉमिक्स वर्ड चिल्ड्रन इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिकॉस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इट्स ऑल्सो कॉल्ड चिल्ड्रन हाउ टू मैनेज. बोले सर क्या मैनेज, कुछ भी हो सकता है बच्चों, आपका घर हो सकता है, आपका इंडस्ट्री हो सकता है, आपने कोई फर्म चालू किया है, बच्चों किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी हाउस होल्ड को किस तरीके से मैनेज किया जाता है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं. और फिर आपको ये भी पता है बच्चों, कभी आपने सुना रहेगा कि आपको जितना इकोनॉमिक्स नहीं आता उससे ज़्यादा आपकी मम्मी को आता रहेगा. इट्स क्वाइट पॉपुलर स्टेटमेंट. इट मीन्स लाइक मैनेजमेंट इज बेसिकली, बट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और द इकोनॉमिक कैटेगरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट विल बी नोन एज इकोनॉमिक्स. अभी इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों दो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, और देर आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स वी कैन से. वन चिल्ड्रन इज बेसिकली रिफर टू एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन चिल्ड्रन इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ चिल्ड्रन व्हाट इज दैट, माइक्रो एंड मैक्रो, दीज आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके बच्चों, ये जो दोनों भी वर्ड्स हैं आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये सबका हिस्ट्री क्या है. इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री प्रॉपरली देन ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू द बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. चिल्ड्रन मैं आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ाते वक्त बताते रहूँगा कि कितने मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, आपको कैसे तैयारी करना है, कैसा क्वेश्चन होता है, कितने मार्क्स है, उसके लिए कितना लिखना पड़ता है. छोटा आंसर है बच्चे लोग, मालूम पड़ा कि लाइक दो मार्क के लिए दिया है, अभी दो लाइन में आंसर है. लेकिन आपको पता है कोई भी बोर्ड एग्जामिनर बच्चे लोग आपको दो लाइन के लिए दो मार्क्स तो नहीं देने वाला है. तो छोटी सी चीज़ को हम लोग कैसे बड़ा कर सकते हैं. हाँ, तो वी शुड बी, आई थिंक वी बीइंग इंडियंस विल बी वेरी स्मार्ट टू दैट. छोटी सी चीज़ को कैसे बढ़ावा देना वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे. सो जस्ट टू गेट इनटू दिस वर्ड चिल्ड्रन, द वर्ड माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. चलो मोस्ट ऑफ द स्कॉलरली स्टडीज हैव बीन कैरिड ऑन टू दैट, तो मोस्टली लाइक हम लोग ग्रीक में से इसको डिराइव करते हैं. तो चलो क्या वर्ड था, माइक्रोस. अच्छा, उसमें से हमने कौन सा वर्ड बनाया, माइक्रो. बस के का क्या कर दिया, सी. हाँ, अभी व्हाट इज दैट माइक्रोस चिल्ड्रन. माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल. इट्स आल्सो समटाइम्स नोन एज अ मिलियंथ पार्ट. गोइंग बैक टू दैट साइंस का प्रैक्टिकल्स का क्लास चिल्ड्रन, जहाँ पे आप कुछ स्पाइरोगायरा, ओके, कुछ बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए फंगस, ये सब कुछ कैरी करना पड़ता था. फिर आपकी टीचर आपको देती थी एक माइक्रोस्कोप, फिर हम लोग को एक स्लाइड दिया जाता था, उसके ऊपर हम लोग कुछ पानी का ड्रॉप डाल देते थे, फिर उसके ऊपर कुछ परसों का एक आध रोटी जिसके ऊपर फंगस पकड़ा रहेगा, फिर स्पाइर वगैरह रखते थे, एंड देन वी टू ट्राई टू ऑब्जर्व. और फिर बच्चे लोग वो छोटी सी चीज़ का हर एक छोटा सा छोटा पार्ट हम लोग को माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व करते थे. एक छोटी सी चीज़ को उसके मिलियंथ पार्ट्स में जो डिवाइड करता होता है माइक्रोस्कोप, वैसे बच्चे लोग जब हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टडी करते वक्त एक बड़े से बड़े इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को, एक छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक इकोनॉमी उनके अंदर कितने सेलर्स है, कितने प्रोड्यूसर्स है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है, वो सब चीज़ों का प्राइस कैसे तय होता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर स्टडीड. दैट मीन्स लुकिंग एट द इकोनॉमी फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप चिल्ड्रन, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. अभी इस वर्ड का एक जुड़वा भाई है बच्चे लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो. ये थोड़ा सा साउंड अलग आता है बच्चे लोग, वापिस से वही मैक्रो वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. बच्चे लोग यहाँ पे वापिस से वही सी के जगह पे सी. सो मैक्रोस वर्ड है, उसमें से हमने बढ़ाया एक नया वर्ड, क्या, मैक्रो. और उसका मतलब होता है बच्चे लोग लार्ज. तो छोटा पैग है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो. एक बड़ा सा पैग मारना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लार्ज या फिर मैक्रोस. अभी सवाल आता है बच्चों लोग कि लाइक कोई भी चीज़ है तो सवाल ये आता है कि लाइक वो ओरिजिनेट कब हुई थी. सो गोइंग टू सम ऑफ द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ दिस वर्ड्स बच्चों लोग, ऑस्लो यूनिवर्सिटी 1933, देयर वाज वन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था रैग्नर फ्रिस्क. ओके, अभी रग्नर फ्रिस्क वो स्टडी इन ऑस्लो यूनिवर्सिटी, उन्होंने बच्चों लोग फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ड्स को क्या किया है, कॉइन. कॉइन मतलब इन्वेंट. सो इट डजंट मीन चिल्ड्रन दैट द, ऐसा नहीं कि बच्चों लोग इकोनॉमिक्स पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये एग्जिस्ट करता था, बस बात ये हो गई थी बच्चों लोग कि इसको हमने मतलब इसका नामकरण हुआ था, इसका जो बारसा वगैरह डालते वो 1933 में रग्नर फ्रिस्क. आपको पूछेंगे बच्चों लोग बाद में कि फिल इन द ब्लैंक्स में आता है,
the word micro and macro were coined by Dash. आप क्या लिखोगे बच्चे लोग? Ragnar Frisk. कौन सा university? Oslo University. Which year? 1933. So here again, children, as they have stated here, that the macroeconomics and microeconomics are the two main branches of economics. Now here in a textbook, they have just mentioned about some of the history, but we are not much worried about these children. As I said, like, you just need to remember the name Ragnar Frisk. He was a Nobel Prize laureate, children. 1969 में उनको Nobel Prize मिला था, ठीक है? तो उन्होंने जो study का technique assume किया था बच्चे लोग, economic को data को कैसे analyze करते हैं, economic theories को, ठीक है? So almost उन्होंने business cycles क्या होते हैं, उनका भी detail study किया था. Now going a bit into micro and macroeconomics. बच्चे लोग, Ragnar Frisk, he was the first person, ये पहला बंदा था बच्चे लोग, ये पहला इंसान था कि जो इंडिविजुअल फर्म्स या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का जो स्टडी है उनको उन्होंने नाम दिया था, इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू Ragnar Frisk, हम लोग जो पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी का स्टडी करेंगे ना बच्चे लोग, उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बच्चे लोग, अगर हम लोग बात करेंगे क्या टाटा ग्रुप ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज, इफ एग्जाम्पल लाइक जैसे टाटा स्काई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला, महिंद्रा, ये सब क्या है बच्चों लोग? दे आर द स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स बच्चों लोग, दैट विल बी पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन जब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, पॉवर्टी इन इंडिया, तो बच्चे लोग जब भी हम लोग उसको लार्ज स्केल पे लेके जाते तो उसको हम लोग एग्रीगेट इकोनॉमी करके रिफर करते हैं. सो इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी क्या होता है बच्चे लोग? माइक्रो इकोनॉमी. पूरे के पूरे इकोनॉमी का स्टडी रहेगा तो उसको हम लोग क्या रिफर करने वाले? मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो वन इज इंडिविजुअल स्टडी, अनदर इज कॉल्ड एज एग्रीगेट. बच्चे लोग, अभी हिस्टोरिकल रिव्यू आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें बच्चे लोग, दो बच्चे, एक छोटा भाई था माइक्रो और एक बड़ा भाई है मैक्रो. सवाल है बच्चे लोग, इन दोनों में से पहले किसका जन्म हुआ था? तो आई वुड एक्चुअली से लाइक दिस कि बच्चे लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म पहले हुआ था. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज डेवलप्ड फर्स्ट, ठीक है? और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म जो हुआ था, उनके जन्म में बहुत सारे लोगों का योगदान था बच्चे लोग. एक थे एडम स्मिथ, देन देयर वाज एन इकोनॉमिस्ट बाय द नेम ऑफ डेविड रिकार्डो, एंड देन देयर वाज जॉन स्टुअर्ट मिल. किसके जन्म में इनका योगदान है बच्चे लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? लेकिन बच्चे लोग, आगे जाके हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक चिल्ड्रन? एडम स्मिथ. लेकिन एडम स्मिथ से भी ज्यादा अगर हम लोग किसी का नाम रिफर करने वाले बच्चे लोग हर एक चैप्टर में, तो रहेंगे अपने हीरो कौन? अल्फ्रेड मार्शल. तो चिल्ड्रन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस कॉन्सेप्ट को अगर सबसे ज्यादा किसने पॉपुलराइज किया रहेगा, तो ही इज नन अदर देन अल्फ्रेड मार्शल. बच्चे लोग, ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिस्ट को डिफाइन करने की कोशिश की थी. हमने लास्ट से कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे, एडम स्मिथ थे जिनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चे लोग? इकोनॉमिक स्टडी ऑफ वेल्थ. अल्फ्रेड मार्शल आए थे 1890 में. बच्चे लोग, 1890 में अल्फ्रेड मार्शल हैड रिटन वन बुक, और उनके बुक का नाम आता है बच्चे लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. और इस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही हैज ऑलमोस्ट लाइक यू नो एनालाइज ईच एंड एवरी डिटेल रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट कुड बी लाइक यू नो यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग, डिमांड, फिर सप्लाई क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा, देयर वर सम अदर इकोनॉमिक चिल्ड्रन जिन्होंने इकोनॉमिक्स के स्टडीज को, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी को पॉपुलराइज करने में कॉन्ट्रीब्यूशन दिए. एक थे बच्चे लोग ऑर्थर सिसिल पिगू, देन वी ऑल्सो हैव इकोनॉमिक बाय द नेम ऑफ जे आर हेक्स, फिर आते हैं प्रोफेसर सैमुअलसन, एंड वी हैव मिसेस जोन रॉबिन्सन. तो बच्चे लोग, दिस पीपल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो. तो किसका किसका नाम याद रखोगे बच्चे लोग? सबसे पहले Ragnar Frisk, जिन्होंने इनको टर्म दिया था. उसके बाद में आते हैं बच्चे लोग एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे एस मिल. इसको ज़्यादा पॉपुलराइज किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल. कौन से बुक के जरिए? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. कब लिखा गया था बच्चे लोग? 1890, ठीक है? सो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, देन वी हैव पिगू, हिक्स, सैमुअलसन एंड रॉबिन्सन. दिस आर द पीपल हु हैव पॉपुलराइज विद द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स.
नाउ वी कम टूवर्ड्स लाइक यू नो कि मैक्रो का, बड़े भाई का जन्म कैसे हुआ था बच्चों लोग. सो मैक्रो ऐसा नहीं है बच्चों लोग कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हो रहा था तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं था. मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेड इवन इन द पास्ट बच्चों लोग. आई वुड से लाइक दिस कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी पहले बच्चों लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस था. तो चिल्ड्रन गोइंग बैक टू द 16th एंड द 17th सेंचुरी. कौन सा सेंचुरी बच्चों लोग? 16th एंड 17th सेंचुरी बच्चों लोग. जब इंग्लैंड व्हेन द इंग्लिश पीपल, उनके यहाँ पे कुछ मर्केंटलिस्ट थे. मर्केंटलिस्ट आर द बिजनेसमैन, मर्चेंट्स वी कैन से. ठीक है, तो वो लोग कुछ पॉलिसीज बनाते थे गवर्नमेंट के लिए. ओके, या फिर 18th सेंचुरी की बात कर लो आप, फ्रांस के जो फिलोसोफर्स थे जिनको हम लोग फिजियोक्रेट्स करके बोलते हैं. ठीक है, उन्होंने भी बच्चों लोग अपने देश का नेशनल इनकम या फिर अपने देश का जो वेल्थ है उसको एनालाइज करने के कुछ मेथड्स डेवलप किए. तो व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? इट्स नथिंग बट मैक्रो इकोनॉमी, नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ चिल्ड्रन, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, ये सब किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. अच्छा, देन चिल्ड्रन फिर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे इनका नाम हमने ऑलरेडी लिया है, वेदर इज लाइक एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल. ठीक है, उन्होंने भी बच्चों बात की थी कि लाइक नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है या फिर एक देश का वेल्थ कैसे डिटरमाइन होता है. हाँ, लेकिन उसको हमने ज़्यादातर किस में स्टडी किया हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बच्चों, सो 1930s तक, कौन से ईयर तक? 1930s तक माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल कर रहा था. लेकिन आफ्टर 1930s, अभी आप बोलोगे सर 1930s में क्या हुआ था? आपको पता हो चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 पूरा का पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, द एलाइड पावर्स एंड द एक्सिस पावर्स, जर्मनी एंड इंग्लैंड. जैसे वॉर हुआ बच्चों तो आपको शायद ये भी याद रहेगा कि वॉर के टाइम पे एक देश था जो वॉर से भी ज़्यादा किसी दूसरे काम में ज़्यादा बिजी था. जब वॉर चलता है बच्चों तो बहुत सारे वेपन्स लगते हैं. अभी अमेरिका बच्चों बहुत सारे वेपन्स प्रोड्यूस करा के बेच रहा था, दोनों भी वॉरिंग नेशंस को बेच रहा था. ये आर्म्स एंड अम्यूनेशन बेच बेच के बच्चों अमेरिका ने सॉलिड पैसा कमाया. और पूरे टाइम पे अमेरिका वॉज नेवर इन द वॉर. सिर्फ शायद अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री देखा रहेगा तो 1917 जब अमेरिका के एक शिप को डुबाया गया था जर्मन सबमरीन्स ने, तो दैट टाइम अमेरिका ने पहले वार्निंग दिया किसको? जर्मनी को. लेकिन जर्मनी ने सुना नहीं, तो अमेरिका डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी. 1918 में बच्चों वॉर खत्म भी हो गया था. तो अमेरिका कैसे? गेस्ट अपीयरेंस के लिए आता. तो बच्चों अमेरिका को कुछ नुकसान हुआ नहीं, लेकिन वॉर के टाइम पे अमेरिका ने वेपन्स बेच बेच के जो पैसा कमाया था. तो आफ्टर द वॉर एंडेड अमेरिका इमर्ज लाइक अ सुपर पावर. अमेरिका क्या बन गया था? तो बच्चों वॉर खत्म होने के बाद आप सबको पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशंस आर वेरी बैड. तो यहाँ पे बच्चों लोग बात वही हो गई थी कि इकोनॉमिक रिसेशन स्टार्ट हो गया था. अभी इकोनॉमिक रिसेशन जो होता है बच्चों लोग, मतलब क्या बच्चों लोग? पूरा डिवास्टेशन हुआ था, इकोनॉमीज हैड टोटली क्रम्पल, नो प्रोडक्शन. नो प्रोडक्शन मीन्स नो जॉब्स. नो जॉब्स मीन्स चिल्ड्रन नो सैलरीज. नो सैलरीज मीन्स नो एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर में तो मार्केट में डिमांड नहीं. तो जब हर एक इकोनॉमी बच्चों स्लो डाउन होता है तो हम लोग इकोनॉमिक रिसेशन बोलते हैं. इकोनॉमिक रिसेशन कुछ सालों तक होता है बच्चों लोग. अगर ये ज़्यादा देर तक रहेगा तो इसको हम लोग डिप्रेशन का नाम. डिप्रेशन चिल्ड्रन इट्स द लोएस्ट फेज ऑफ एनी बिजनेस साइकिल. और ये दुनिया ने देखा था बच्चों 1930s 1929 में स्टार्ट हुआ था. तो उस टाइम पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ट्राई कर रहे थे कि ये सबसे बाहर कैसे निकलने का. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों लोग? दे बिलीव्ड इन लेजिस फेयर. मीन्स वॉट? इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रिवाइव होता. तो तभी ये बच्चों लोग, देयर वॉज वन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था लॉर्ड जॉन माइनर्ड केन्स, जिनको हम लोग इसके आगे बच्चों लोग रिफर करने वाले हैं जे एम केन्स. उनको क्या लगता था कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता, इकोनॉमी को ठीक कराना पड़ता है, दे हैव टू बी सम डेलिबरेट अटेम्प्ट्स. लेकिन क्लासिकल थॉट वाले लोग उसकी बात सुनते नहीं थे. तो तभी बच्चों लोग उन्होंने एक बुक लिखा था 4-5 साल में, 1936 में बच्चों उनका बुक रेडी हो गया था. उनके बुक का नाम था जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. विच ईयर चिल्ड्रन? 1936. जहाँ पे उन्होंने बच्चों लोग मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोचेस को हैंडल किया था. मतलब अकॉर्डिंग टू हिम उनको लगता था कि गवर्नमेंट को बीच में आके ये इकोनॉमीज को ठीक करना पड़ेगा. एंड दैट इज वेयर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्टेड डेवलपिंग. तो
आई थिंक व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक चिल्ड्रन, इट्स लाइक यू नो पूरे के पूरे इकोनॉमी को कैसे बाहर लाना, गवर्नमेंट कैसे बूस्ट कर सकती, गवर्नमेंट थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी, लोगों को थोड़ा जॉब्स देने का, जॉब्स की वजह से चलो प्रोडक्शन चालू होगा, प्रोडक्शन चालू होगा तो क्या होता है लोगों को थोड़ा पैसा आएगा, लोग ये पैसा खर्च करते हैं, इसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो फिर प्रोड्यूसर को दिख रहा है कि अरे कोई बंदा खरीदने के लिए आ रहा है, चलो हम लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगर प्रोड्यूस करना है तो नए लोगों को जॉब्स देने पड़ेंगे, तो आई थिंक द एंटायर इकोनॉमी स्टार्ट्स रिवॉल्व लाइक इवॉल्विंग आउट ऑफ दिस डिप्रेशन, इसको इकोनॉमिक रिकवरी बोलते हैं। लेकिन बच्चे लोग देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार किसका नाम सुना गया आप, अल्फ्रेड मार्शल, वैसे बच्चे लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बार बार नाम किसका सुनना है, लॉर्ड केन्स या फिर जे एम केन्स, लेकिन केन्स के अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में और भी कुछ इकोनॉमिक्स आते हैं जिनका नाम है मैल्थस, वी हैव विक्शल, अच्छा देन वॉल्ड्रस, इवन लाइक वी हैव गॉट अर्विंग फिशर, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन किए हुए। सो यो वी कम अक्रॉस द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अभी बच्चों इसके आगे का अपना जो डिस्कशंस रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन वाइज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, हाँ तो आई थिंक दैट शुड बी द नेक्स्ट आंसर दैट विल बी कमिंग अक्रॉस हियर।